हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और ये है हमारा आज का ब्लॉग टू। आज का लोग कुछ अलग ही होने वाला है आज, क्योंकि हम आपको मिलाने वाले हैं अपनी बहुत सारी बिल्लियों से। सारी बिल्लियों से बहुत मजा आएगा, देखना हाँ, पूरा देखना, लाइन वाइज सारी बिल्लियों से मिलाएंगे। इसकी खासियत है ये बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा। जब बिल्ली ऐसे रिगड़ी करती है ना दीवार पे, इसका मतलब वो आपको अपना प्यार जो है एक्सप्रेस कर रही है, ऐसे करती है। इसकी एक जुड़वा बहन भी है, वो भी हमारे घर के नीचे रहती है। किसी दिन वो दिखेगी ना, जब साथ में, तो साथ में दिखाएंगे, बिल्कुल मतलब डिट्टो है। एक बस मार्क का डिफरेंस है ना, क्या डिफरेंस था वो? आई के नीचे ब्लैक पार्ट थोड़ा कम है, उसकी दोनों आईज के नीचे ब्लैक पोर्शन। हाँ हाँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा था ये सेम कैसे हो गए दो, है ना। उनको भैया को बोलना पड़ेगा, उसे बाहर बुलाओ। नहीं नहीं, किचन में होगी ना, बुला लो ना। वेज अली बाबा, अली बाबा ओपन इनसाइड किचन। इनसाइड आ गया। अब इसकी एक स्टोरी बताती हूँ आपको ना, ये बहुत लड़ाई करता है। देखो यहाँ से खेलेगा, ये देखो ऐसे खेलता है ये। उधर डालने तो नहीं, इसका मूड नहीं है खाने का, मेरे को लग रहा है ये भी मस्ती के मूड में लग रहा है। ओए इधर आ। ओए खाना क्यों नहीं खा रहा, क्या कर रहे है? ये आज खाने के मूड में नहीं लग रहा। खाना नहीं खाना खा के बैठा होगा ये, मुझे लग रहा है। पता है इसकी स्टोरी, पता ही क्या है, जब ये बहुत छोटा था ना, 1 मंथ का, सिर्फ 1 मंथ का था, इसकी पूरी पिंक थी जीभ भी और ये नोज भी। तब इसकी जो मिल्ली मम्मी है ना, आजा तू खेल ले। क्लीनर भैया ने गलती से इसको और इसकी जो बहन थी उनको उठा लिया, मतलब बाहर रख दिया, और फिर बिल्ली ने इसको संभाला ही नहीं, बिल्ली ने इसको छोड़ दिया। ये करती है बिल्ली, है ना। बिल्ली का कुछ ऐसा रहता है ना, स्मेल चेंज हो जाती है ना उसके बच्चों की, तो बिल्ली फिर उसको छोड़ देती है। तो बिल्ली ने इसको छोड़ दिया और तब से ये बस बिल्डिंग में ही सबकी केयर में है। एक टाइम हम मिल लेते हैं, बाकी एक वॉचमैन भैया है वो देखते हैं, उनसे तो इसका बहुत लगाव है। जो इसकी सिस्टर थी ना, यहाँ पे एक उन्होंने ग्लास रखा था और वो ग्लास ऐसे रखा था और वो ग्लास फिसला, उसके ऊपर गिर गया, वो बची नहीं। तो हमारे जो वॉचमैन भैया ना, वो कह रहे हैं कि मतलब मैं रात भर नहीं सोया। उनके माइंड में एक बार आया था क्लीनर भैया को बोल के कि हम दोनों इसको उठा के रख लेते हैं, बहुत बड़ा कांच था वो, बट समहाउ होता है ना, इग्नोर कर देता है बंदा, तो उन्होंने नहीं उठाया। तो वो कह रहे हैं मुझे इतना पछतावा हुआ ना कि मतलब मैंने एक माइंड में थॉट आया था बट मैंने किया नहीं, करता तो वो बच सकती थी, है ना। तब से क्लीनर भैया भी इसको संभाल रहे हैं, अभी अकेला हो गया, मम्मी ने इसको छोड़ दिया और इसकी बहन बची नहीं, तो अभी अकेला हो गया। तो ये बस एक तो वॉचमैन भैया के साथ खेलता रहता है, एक हमारे साथ। अब तो ये बड़ा हो गया, बहुत छोटा था पहले, तो 1 मंथ का था। मैं इसकी 1 मंथ वाली क्लिप लगाऊंगी, मेरे पास पड़ी हुई है, उसमें इसकी सिस्टर भी है। बहुत अभी नॉटी हो गया अभी तो, ये देखो, ओए उसको भगा दिया, देखियो बड़ी बिल्ली को। अच्छा तू बोल, चल बोल। बट ये डरता नहीं है किसी से भी, कहीं भी चला जाता है। ये प्रेग्नेंट लग रही है मुझे, है ना। छोड़ दे बस, ले लेगी वो अपने आप। हाँ। ये देखो एक और बिल्ली, ये वही वाली है सामने वाली, इधर आ गई, इधर आ गई। अच्छा ये उधर से इधर आ गई। हाँ। सो यहाँ पे बिल्लियां ही बिल्लियां हैं। कोई मुझसे पूछ भी रहा था कि आपको बिल्लियां ही पसंद है, डॉग्स पसंद नहीं है। यहाँ डॉग्स होते ही नहीं है, यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स होते ही नहीं है, एक भी नहीं मिलेगा आपको पूरे कंट्री में। तो इसीलिए तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे जानवर बराबर होते हैं, है ना।
मुझे तो गाय भी अच्छी लगती है, बट यहाँ भी गाय नहीं दिखती। इधर बुला के देख उसको, इधर तो नहीं है। ऐसे कैसे अड्डा चेंज कर लिया? करती है बिल्ली, नहीं करती ना यूजुअली? यूजुअली तो नहीं करती। अभी हम ना दूसरी बिल्ली को देखने जा रहे हैं, बट यहाँ पे एक बिल्ली होती है, उसका नाम हमने रखा हुआ है शेरू। हाँ। वो आज यहाँ पे है नहीं। बहुत प्यारी बिल्ली है वो, बहुत ज़्यादा क्यूट है, बट अभी है नहीं वो। अभी हम दूसरी बिल्ली के पास जा रहे हैं जो आगे इसी गली में है, देखते हैं वो है या नहीं। वो बहुत टाइम से नहीं है यार शेरू। शेरू 2-3 दिन से मिसिंग है। शेरू मतलब लगा लो हमारी जितनी भी बिल्ली है ना, उनमें सबसे क्लोजेस्ट है हमारी। वैसे तो सारी बराबर है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मेरे को तो मतलब सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है वो। बहुत एकदम क्यूट सी बिल्ली है वो। उसका एक रीज़न भी है ना यार, क्योंकि उसकी मम्मी की वजह से ना जो बिल्ली मर गई थी। एक्चुअली जो उसकी मम्मी थी ना, मतलब जो बिल्ली थी, वो रोड क्रॉस कर रही थी, उसके लिए हमेशा फ़िश लेके आती थी। यहाँ पे एक सुपर मार्केट है, जाते टाइम दिखा दूँगी। तो वहाँ पे वो गई थी और रोड क्रॉस करते टाइम बिल्ली देखती नहीं है ना, बिल्ली को आइडिया नहीं है, चलाने वाले की भी गलती नहीं थी, बिल्ली ने देखा नहीं और एकदम बिल्ली को बस लग गए और बिल्ली के एट द स्पॉट ही हो गई डेथ। उस दिन ना मैं आपको शेरू से ज़रूर मिलाऊंगी। शेरू में इतने इमोशंस हैं, जानवरों में होते हैं। एक घंटे तक उसको खाना दिया था, एक घंटे तक उसने खाया नहीं, वो उधर ही देखता रहा जहाँ पे उसकी मम्मी थी। बिल्कुल वो मतलब खाया ही नहीं उसने। पहले मैंने खाना रखा, एक घंटे बाद मैं आई, खाना उसने टच भी नहीं किया था और उधर ही देख रहा था बेचारा। तो मैंने वॉचमैन भैया से पूछा, जो वॉचमैन भैया वहीं पे रहते थे उस एरिया में, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आप बताओगे ना इसको कि इसकी मम्मी के पास वहाँ ले जाओगे, ये यहीं उदास हो जाएगा, यहीं रह जाएगा और समझ नहीं पाएगा कि वो क्यों नहीं उठ रही। क्योंकि वो छोटा था काफ़ी, अब तो बड़ा हो गया, पर तब भी गोलू मोलू था एकदम, है ना, एकदम गोलू मोलू था तब भी वो। मिलवाऊंगी मैं आपको उससे ना कभी। तो हमारे साथ वो एकदम से कंफर्टेबल नहीं हुआ, टाइम लगा उसको, धीरे 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 5-6 दिन तो लगे थे, है ना। हाँ 5-6 दिन तो लगे थे उसको। पहले तो वो डरता था हमसे। हाँ। पास नहीं आता था, खाना देते थे नहीं खाता था, बट बाद में वो बहुत फ्रेंडली हो गया था। बहुत बिल्ली ना थोड़ी कुत्तों की तरह फ्रेंडली नहीं होती, थोड़ा टाइम लेती है ट्रस्ट बनाने में। हाँ ये है। अभी यहाँ जो बिल्ली थी वो नहीं है ना आज यहाँ पे? नहीं, मैं देखूँ, कई बार वो अंदर भी तो होते हैं पार्क के, देखूँ क्या यहाँ पे पार्क में यहीं कहीं होती है, उस तरफ तो नहीं है, नीचे की तरफ होते थे उसके बच्चे यहाँ पे ना बिल्ली के। हाँ यही होते थे ना यहाँ। हाँ, पे बैठे हुए या फिर गाड़ी के वहाँ होते थे। किधर बुलाना गाड़ी के उधर, मैं देखूँ क्या यहाँ से पूरा देख ले। दिख पर यार गार्ड ना बोले मुझे कुछ काम चल रहा है। नहीं देख ले है यहाँ पे। नहीं नहीं इधर नहीं है, या तो फिर उस तरफ होगी, उन गाड़ियों के पीछे होगी। अभी जिस एरिया में आया ना, ये एरिया खतरे से खाली नहीं है, बहुत डेंजरस एरिया है ये। यहाँ पे ना 6-7 बिल्लियाँ एकदम से भागी आती हैं और रुकती नहीं है। बिल्लियों में ना पेशेंस नहीं होता और बिल्लियाँ लड़ती रहती है खाने के लिए, ये भी होता है ना। और बिल्ली अपना नहीं दूसरे का खाती है। हाँ बिल्ली एक बिल्ली को खाना देंगे ना, वो अपना नहीं खाएगी, दूसरे को जो खाना देंगे उसमें जाके लड़ाई करके खाएगी वो, मुंह मार के। और यहाँ दो बच्चे तो ऐसे खतरनाक हैं, खाना तो खाते नहीं है वो, पीछे पीछे तक घर तक आ जाते हैं। हमारी वाली बिल्ली दिख गई। हाँ ये एक हमारी बड़ी वाली बिल्ली है, एक हमारी बहुत स्पेशल बिल्ली है। मतलब जो दो मेरी बहुत क्लोज वाली है वो दो बच्चे थे, लेकिन एक बड़ी भी बहुत क्लोज है, मुझे भी याद आया, मैं तो भूल ही गई थी इसको। इसके साथ भी ऐसा है, बहुत टाइम तक तो इसका हमारे से बॉन्ड ही नहीं बना था। ये बिल्कुल ऐसी थी कि बस माइंड योर ओन बिजनेस टाइप, इसको खाना देते थे, खाना खाती थी और बस चुपचाप, कोई कुछ नहीं। बट जब से हमने इसके ऊपर हाथ फेरना शुरू किया ना, तब इसका हमसे बॉन्ड बना। तभी जब मैंने वीडियो लगाई थी तो कई लोग बोल रहे थे कि बिल्ली आपके पीछे आ रही है, उसको खाना चाहिए। बिल्ली खाने के पीछे नहीं आती, बिल्ली इसलिए आती है जब आप बिल्ली को प्यार करते हो ना, पैम्पर करते हो, उसके पीछे आती है। मैंने ये नोटिस किया है, चाहे उसे भूखे कि नहीं है, इसे बुलाते हैं हम, हमारा कोड वर्ड से ना, कोड वर्ड सुना नहीं क्या उसने? मैं करती हूं। देख लिया, कोड वर्ड की भी जरूरत नहीं है, देख ना, देख लिया उसने हमें। देख लिया आ गई।
इसकी आवाज बहुत प्यारी है इसकी। ये बिल्ला है वैसे पर लगता बिल्ली एकदम। आई आजा इधर खाएगा किधर खाएगा आजा। वो देना इसका। आए हाय तेरी रगड़े आजा। ये देखो बिल्ली कैसे होता है अपना टच करती रहती है अपनी बॉडी को ना। ये देखो ऐसे एक्सप्रेस करती है बिल्ली। ये अपनी ना बिल्ली कमर उठा के ऐसे थोड़ा प्यार एक्सप्रेस करती है ना वो टच करती है। हाँ टच करती है। देखने में एकदम बिल्ली जैसा इतना सुंदर बिल्ला मैंने आज तक नहीं देखा और शांत एकदम। देखो इसने अपनी पीठ ऊपर कर ली ऐसी करती है ये। और इसमें सबसे ज्यादा पेशेंस है सब बिल्लियों से ज्यादा। ये कभी लड़ाई नहीं करता किसी के साथ। बिल्ली मैंने आज तक नहीं देखा। सोच रहा है बिल्ला हम मेरे साथ धोखा हो रहा है। क्यों नीचे KFC का चिकन बना है ना ऊपर हम खाना क्या दे रहे हैं इसको। लेकिन इसको KFC के चिकन से भी ज़्यादा ये अच्छा लगता है। यहाँ की बिल्लियों की यही खासियत है ये सिर्फ कैट फूड प्रेफर करती है और या फिर फिश खा लेती है ना। हाँ फिश भी बहुत पसंद है। फिश भी बहुत पसंद है। सब्जी रोटी बिल्कुल नहीं खाएगी सूंघेगी भी नहीं। यहाँ की बिल्ली सब्जी रोटी दाल कुछ भी दे दो आप नहीं खाएगी। ऐसा ही है यहाँ पे। क्योंकि सुपर मार्केट वाले भी क्या करते हैं जब ख़राब हो जाती है ना कोई फिश वगैरह बिल्ली को डाल देते हैं फेंकने से अच्छा। तो इसलिए बिल्लियों की यहाँ पे आदत ख़राब है बहुत ज़्यादा। यहाँ की बिल्लियों को वैसे ज़्यादा नॉन वेज ही पसंद है। बाकी वेज नहीं खाती। अदरवाइज ये कैट फूड खाती हैं और बाकी वेज तो कुछ नहीं खाती। नथिंग। शैतान बच्चों की बात कर रहे थे ना उनमें से एक तो आ गया ये एक इसकी बहन है वो भी ऐसी है पीछा नहीं छोड़ती। आज एकदम चुपचाप है। वही क्या हुआ तेरे को। पर ट्राई करते हैं मुझे पता है ये खाने लग जाएगा। अच्छा ये खाता है वो दूसरा वाला नहीं खाता वो बहुत ढीठ है। इसको अलग दे ये इसको मारेगी नहीं तो। क्यों बैठे ऐसे क्या चाहता है। ओए क्या चाहता है क्यों बैठे ऐसे। पता है मुझे तेरा। यहाँ पे ना वरना सात आठ बिल्लियों का झुंड होता है। सात आठ बिल्लियों का उसमें से चार तो बिल्ले हैं। चार बिल्ले मतलब एकदम धड़ू धड़ू मतलब जैसे जो उत्तराखंड से अगर कोई होगा जो बड़ा वाला बिल्ला होता है ना उसको धड़ू बोलते हैं। तो हमने उनका नाम रखा है धड़ू 1 धड़ू 2 धड़ू 3 धड़ू 4 चार धड़ू है। इसको हम धड़ू नहीं बोलते है बड़ा साइज में लेकिन लगता बड़ा प्यारा है ये। एक बिल्ली तो सामने बैठी है वो देख रही है हमें सोफे के ऊपर बैठ के आराम कर रही है। सिंहासन में उसने देख लिया हमें देख लिया। उसने देख लिया और भागे आ रही है वो देख रही है हमारे हाथ में कुछ अलग सी चीज है। वो तभी रुक गई वरना वो रुकती कहाँ है। डेली तो नहीं रुकती है। आज क्या हो गया तेरे को। ओए आज ये डर रही है इसको देख के शायद ना। ये मोबाइल को देख के डर रही है। नहीं आगे 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 इतनी फॉर्म में आ गई देखना रिगड़े शुरू रिगड़े। बेटा डालू किधर से। अच्छा अच्छा उधर 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 आज भूखी ज्यादा लग रही है मुझे ये। एक और आ गई वही उसकी बहन आ गई। इसको यहाँ दे दे साइड में ना इधर यहाँ पे। ये वाली जो बिल्ली है ना ये हमारी बिल्डिंग के नीचे ही रहती है। रुक जा ये डस्टबिन नहीं है ये क्या बोलते हैं कपड़ा बिन है। मतलब यहाँ पे लोग पुराने कपड़े डाल देते हैं और यहाँ से दुबई से मतलब जो भी गरीब कंट्रीज हैं वहाँ के लोगों को
यहाँ से कपड़े भेजे जाते हैं, यहाँ पे इसमें ऐसे कपड़े रखने होते हैं और इसको बंद कर देते हैं कपड़े अंदर। चलें घर अब, चलो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय। चल ठीक है, फिर से बना देते हैं। नहीं नहीं, फिर से रहने देते हैं, कट कर लेंगे। अच्छा, यही ऑप्शन है जो ओपन रहता है। मुझे क्यों देखा? हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, ये है हमारा नया व्लॉग। डेली यही बताना है, कल भी था ना, आज सेकंड वीडियो है।